हिमाचल प्रदेश सरकार बागवानों के प्रति ना तो गंभीर है और ना ही वो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके चलते राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने बागवानों को लामबंद करना शुरू कर दिया है और उनकी समस्याओं पर बागवानों से ही चर्चा कर संघर्ष की रणनीति बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी बागवानों के साथ सरकार के दोगलेपन और सेब की कीमतों को गिरते स्तर पर मुखर हो गई है। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेताया और फिर उपायुक्त के माध्यम से 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे डाला। उसके बाद आज बागवानों के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा की गई और समस्या का समाधान तुरंत ना होने की स्थिति पर संघर्ष की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। इसके लिए बागवान लामबंद होकर राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के साथ संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर कहा कि अडानी ग्रुप को ठेका देकर बागवानों की मेहनत को भूसे के भाव बेचना कहाँ का इंसाफ है। सरकार का ना तो इन कंपनियों पर नियंत्रण है और ना ही अपने मंत्रियों पर, जो इतनी गंभीर समस्या पर इतना बेतुका बयान देते हैं। सरकार के विरुद्ध बागवान आक्रोशित हैं और यदि समय रहते सरकार इसे समाधान तक नहीं लाते हैं तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। साथ ही बागवानों ने इस एक दिवसीय सेमिनार में कहा कि यहाँ हम मंथन करने के बाद पार्टी के साथ अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आने को तैयार हैं। किसान और बागवानों के ऊपर तो हमेशा राजनीति होते हुए आ रही है और इसमें लास्ट में हमेशा बागवान ही पीसा जाता है ना। तो ये जो राष्ट्रीय RLP पार्टी है, इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया एक बागवानों के लिए, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठाई है। अभी परसों कॉन्फ्रेंस की थी जी, उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने काफ़ी बात की। कल हम DC साहब से भी मिले, उनसे भी हमने बात की। उनको हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है और हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है, अगर एक हफ्ते में कोई इसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं करते, कोई विचार नहीं करते, तो हम अगला मतलब हम जन आंदोलन करेंगे। पहली मांग तो हमारी ये, फर्स्ट मांग तो ये है कि अभी पीछे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हमारे बागवानी मंत्री जी के बयान, मतलब इतने बड़े पद पे होने के बावजूद इतने छोटे और इतने हल्के विचार और हल्की स्टेटमेंट देते हुए हमें तो ये लगता है कि उनको इस पद पे किसने बैठाया, कैसे बैठाया। इस सरकार को हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि मतलब कैसा हमने किसान के हित में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो हम तो ये मांग रखते हैं, जैसे उन्होंने उस दिन स्टेटमेंट दी कि क्रेट में रखो भरो, है ना, क्रेट में डाल के ले जाओ। हमारे CM साहब खुद बोल रहे हैं कि अभी आप रहने दो, है ना, सेबों को आप पेड़ों में ही रखो, बाद में उतारो। पेड़ में रखने, आपको पता है कि पेड़ में रख के आप सेब रखोगे तो ख़राब हो जाएंगे। वैसे ही बरसात का मौसम चल रहा है जी, बागवानी मंत्री जी बोलते हैं क्रेटों में डालो। आप मैम देखो आप सेब कितना नाजुक होता है, वैसे ही अगर हल्का सा नीचे छूट जाए तो वो एक सेब दागी हो गया, उसके साथ दूसरा भी हो गया। तो मतलब तथ्य से परे बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे हम सरकार से ही मांग करते हैं कि इनको तो तुरंत हटा दिया जाए। दूसरी मांग मैम, जैसे हमारा आड़तियों का है, लदानी और आड़ती है, है ना, इनको लेकर भी है हमारा। हम किसान को हमारा जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, इन लोगों की वजह से वो भी मिल नहीं पाता है, तो ये भी ख़त्म कर दिया जाए। और जो बाहर से हमारा जो अभी इन्होंने जो बाहर वाला सेब आ रहा है उसको, उसके ऊपर जो इन्होंने टैक्स कम कर दिया हुआ है, वो दोबारा वही रखे, हम अपना सेब अपने आप बेच सकें ताकि हमारे सेब की उनके बाहर के सेब से ज़्यादा वैल्यू हो। सरकार बागवानों पर घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, तो वहीं अब राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी बागवानों के साथ ही सड़कों पर संघर्ष का बिगुल बजा चुके हैं। सरकार को गंभीर होना होगा, नहीं तो ये संघर्ष बड़ा तो चुनाव की सरगर्मियों के बीच ये किस दिशा में जा सकता है वो समझा जा सकता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं।
करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।